नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं भाजपा 4 राज्यों में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं यूपी में अखिलेश यादव अपने करहल सीट को छोड़ने की बात कर रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही है कि पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य करहल से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसी बीच प्राइम टीवी की टीम से स्वामी प्रसाद मौर्य ने खास बातचीत की है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के 11 मंत्री हारे, तो ऐसे ही कई दिग्गज हारे। अभी हमारे साथ मौजूद है श्रम एवं रोजगार मंत्री, पूर्व रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि फाजिलनगर से चुनाव हारे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जीत हार दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को जिस तरीके से हम स्वागत करते हैं, हार को भी उसी तरीके गले लगाते हैं। रही बात, जीतने वाला ही हारता है और हारने वाला भी जीतता है, तो इसको बहुत अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, हार है तो स्वीकार है, जो जीता है उसको बधाई है। और इसीलिए जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हर चीज को खुले रूप से उसे स्वीकार भी करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो अखिलेश जी के करहल सीट छोड़ने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, अटकलें होती हैं। इसलिए सच का इंतजार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अभी अपना कोई निर्णय नहीं सुनाया है, न इस संबंध में कोई वार्ता हुई है, न उनका कोई निर्देश प्राप्त हुआ है। इसलिए जो बातें हवा हवाई हैं, हम न उसका संज्ञान लेते हैं और न उस पर मैं चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। अच्छा, आप सुबह आज एक ट्वीट किए थे जिसमें आपने बताया कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे, बैलेट पेपर की आपने गिनती करके बताया कि सपा को 304 सीटें मिली हैं और भाजपा को 98, उसको उस मामले में कुछ बताया? देखिए, ये सही है कि समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। हमारा नारा भी था कि इस बार सपा 300 के पार। बैलेट पेपर ने हमारे नारे को सच साबित करके दिखाया, यानी हम 300 के पार गए, 304 पर जीत हासिल की। ईवीएम मशीन की गिनती में भाजपा बाजी मार गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है, अन्यथा जो बैलेट पेपर वोटिंग में हारा हो, मात्र 99 पर सिमट गया हो, वो बहुमत कैसे हासिल कर लिया? और इसीलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी मीडिया के साथियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि ये गंभीर मामला है और चिंतन का विषय है। सभी को आपस में बैठ करके चिंतन करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपादित करा सकें और जनता का जो लोकतंत्र में विश्वास है, उस विश्वास को। हमारे संवाददाता विभांशु के साथ आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बातचीत सुनी की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।